हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो आज मुझे श्रीनगर जाना था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप सभी के लिए एक व्लॉग बनाया जाए। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ से देहरादून से निकले और सबसे पहला स्टॉप था तीन धारा। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर तीन धारा के स्टॉप पर और हम अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं बोड़ा जी का, जो कि गाड़ी लेके आ रहे हैं। अंकुश जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। और फिलहाल यहाँ से हम रुकेंगे सीधे अब देवप्रयाग। यहाँ पर हम बोर हो चुके हैं, बोर हो गए हैं बैठे बैठे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा तीन धारा का स्टॉप है। यहाँ पर खाना खाने के लिए जेंट्स टॉयलेट भी है हमारे, ये देखिए जेंट्स टॉयलेट। जेंट्स की स्पेलिंग जिन्होंने गलत लिखी है, ये हमारे पास कहाँ ले आए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है वाला जी, बैठ जाओ। मेरी वहाँ पे ना गाड़ी खड़ी है। कहाँ पे? मेरी रोड पे गाड़ी खड़ी। कहाँ? अरे मेरी दुकान है वो, मेरी दुकान। मना कर रहे हो, बोल रहे हैं दो। हाँ बोल दो रहें दो, जहाँ रहें थकल क्यों सर थकल तीन धारा से हम निकल चुके हैं और हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो अब हम यहाँ से रुकेंगे सीधे देवप्रयाग पे, जो कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्पॉट। तो हम फिलहाल पहुँच चुके हैं यहाँ पर देवप्रयाग के एंट्री गेट पे और हमारे साथ है हमारा साथ देने वाले अंकुश। तो फिलहाल हम चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाते हैं आपको प्यारा सा संगम, जो कि अलकनंदा और भागीरथी का, जिसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखे ये नीचे जा रही हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से हमें वो नीचे जाना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर से अलकनंदा आ रही है और वहाँ से भागीरथी आ रही है, दोनों सास बहू का संगम होते हुए यहाँ पे। तो अभी हम फिलहाल हमें जाना है नीचे। नीचे का लंबा, अरे रास्ता क्या लंबा है, यहीं जाएंगे नीचे। तो फिलहाल हम, हाँ सही कह रहा, सही कह रहा, अरे सही कह रहा, अरे सही कह रहा। ये देखिए ये बैग टांगने में इतना आलस आ रहा है, कैसे होगा ये फौज में कैसे भर्ती होंगे? अरे आप बताइए सर कैसे होंगे फौज में? अरे हमें भैया हमें बुलाना ब्लॉग, तो हमें चलना है। अरे बड़ा भैया, अरे भैया, अरे रघुनाथ मंदिर भाई, रघुनाथ मंदिर चला। अरे देख यही तो है देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर, जहाँ पे क्या था, अरे यार जाकिरत शाह मारा था। हाँ, यही वो पवार वंश का मंदिर है जहाँ पर श्रापित मंदिर जिसे कहते हैं, यहाँ पे जाकिरत शाह जो है यहाँ उसने सुसाइड करा था। फिलहाल हम आप जा रहे हैं नीचे यहाँ से पैदल पैदल पुल की तरफ और संगम है इधर की साइड और हम जा रहे हैं इधर की साइड। क्यों? तो अभी फिलहाल ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं नीचे के लिए, जो कि जा रही है हमारी संगम पे शायद से, हमें आइडिया नहीं है, पर हम फिर भी जाए चले आ रहे। फिलहाल हम नीचे उतरते उतरते यहाँ पहुँचेंगे संगम की साइड। और यहाँ पे हमारा फेमस विश्वनाथ मंदिर भी है, जो कि रघुनाथ मंदिर, सॉरी विश्वनाथ, सॉरी 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 बात कर रहा हूँ, रघुनाथ मंदिर जहाँ पवार वंशी जो थे जयकृत शाह, उन्होंने अपनी सुसाइड करा था धुएँ से, मिर्ची के धुएँ से। और उन्होंने श्राप दिया था कि पवार वंश का के लिए ये मंदिर श्रापित है, यहाँ पवार वंश का कोई नहीं आता। फिलहाल अभी चलते हैं पैदल पैदल, रघुनाथ मंदिर तो हमें दिख नहीं रहा है, पर हम चल रहे हैं अभी आपका, कहाँ पे चल रहे हैं हम? बोल हम जा रहे हैं अलकनंदा भागीरथी के संगम पर संगम थोड़ा सा आगे रह गया, हम थोड़ा पीछे की साइड आ गए। संगम है आपका उस साइड, आप वहाँ देख रहे हैं इस साइड और हम आ गए इस साइड, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलते रहेंगे, चलने का नाम जिंदगी। हम आपको दिखाते हैं यहाँ से अलकनंदा, जो देख पा रहे होंगे आप ये अलकनंदा बह रही है, तो वहाँ से भागीरथी सास बहू का संगम होते हुए। तो चलिए, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस अंकुश? आपको शेयर करेंगे हमारे साथ दर्शकों के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, पर रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है? अच्छा अब हम रघुनाथ मंदिर तो नहीं देख पाएंगे, पर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी पैदल यहाँ से घाट की तरफ जा रहे हैं नीचे। हम दूर से देखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे इस मनमोहक व्यू का, जो कि है अलकनंदा और भागीरथी का संगम। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे होंगे उधर की साइड संगम हो रहा है दो नदियों का, जो कि है अलकनंदा और भागीरथी।
कि बहुत ही मनमोहक था। उसके बाद हम वहाँ से निकले और इस मनमोहक व्यू को बाय बाय करने के बाद हम जो है अपने रास्ते श्रीनगर की ओर निकल पड़े। तो जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आगे जो है ये यहाँ से अलकनंदा है पूरी, जो नीचे जाके देवप्रयाग में मिलती है जैसा आप बगल में देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और फिर इसी के बाद हम पहुँचे धारी देवी के गेट पे, जो कि बहुत ही प्यारा बना रखा है। और इसके बाद हमने जो है यहाँ से आगे बढ़े और हमने जो है मंदिर की घंटी बजाई, जो कि हमसे बजी नहीं, फिर से हमने बजाई। फिर हम यहाँ से पैदल पैदल जो है आगे की ओर प्रस्थान किया। और यहाँ से जो है हमारा भाई जो है ये गौरव और अंकुश दोनों ही बातें करते करते आगे चल रहे थे और मैं अपने टोपी सही करता हूँ। और फिर इसके बाद जो है गौरव यहाँ पे जो है हमें धारी देवी की जो है कहानी सुनाता है कि धारी देवी का मतलब कैसे यहाँ पे बना धारी देवी। हमारा धारी देवी की कहानी कुछ इस प्रकार है, जिसको नहीं पता वैसे जो आया होगा उसको पता ही होगा, लेकिन जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूँ। जब शंकर भगवान जब सती माता सती आग में अपने आत्मदाह करा था, उसके बाद जब उनका शरीर लेके भोले बाबा पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, हाहाकार मच रहा था जिससे ब्रह्मांड का नाश होने वाला था, तो उसको रोकने के लिए श्री हमारे विष्णु भगवान जी ने अपना चक्र उठाया और छोड़ दिया, तो जो उससे माता सती के बहुत सारे टुकड़े हुए, जिनमें से एक उनका धड़ आके इस जगह पर गिरा था, जिसको आज हम माँ धारी देवी के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल आगे की स्टोरी हम आगे देखेंगे। उत्तराखंड में से बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, और कहा जाता है जो अभी 2013-12 में जो आपदा आई थी वो भी इसी वजह से आई थी, क्योंकि इस मंदिर को ऊपर उठाया गया था, इससे थोड़ी छेड़छाड़ की गई थी जो कि माता जी से क्रोधित हो गई थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको व्लॉग कैसा लगा, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लीजिए सिनेमैटिक्स के मजे। लागते हूँ चकेला साजो, लागते हूँ चकेला साजो, लागो लागतो हूँ चकेला साजो, लागते हूँ चकेला साजो, लागी जो लाग ऋण झूणा पानी जो, ऋण झूणा पानी जो, लागी मैं लागी बन मैं तकी कुदाओ, मैं लागी मैं तकी कुदाओ। चकेला।